तो हेलो गाइस, सब सबको स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं मॉन्स्टर हंटर स्टोरीज। तो जैसा तुम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था, पिछले एपिसोड में मतलब हम लोग उस क्या बोलते हैं गर्म पानी के झरने से रिटर्न आ गए थे, और फिर उससे उस बंदे ने जो भी अजीब सा बंदा था उसने हमें कहा था मतलब उसके लिए कोई क्या बोलते हैं मॉन्स्टर का एग लेके आना है। तो आज के एपिसोड में हम लोग मॉन्स्टर का एग लेके आने वाले हैं, और कल मैं एपिसोड नहीं डाल पाया था उसके लिए माफ़ कर देना। तो या तो चलो चलते हैं मॉन्स्टर के एग की तरफ। अपने को लोकेशन तो उसने बताया आई थिंक सो, मेरे को जहाँ तक लगता है या सो एक बार देख लेते हैं मैप में लोकेशन है कि नहीं। आई थिंक सो होना तो चाहिए, आई डोंट नो लोकेशन नहीं। वहाँ मार्क बता रहा है, एक मार्क आ रहा है बट लोकेशन नहीं आ रहा। आई थिंक सो अपने को घर के अंदर वापस जाके पूछना पड़ेगा, या मेरे को जहाँ तक लग रहा है एक बार पूछ लेते हैं दोबारा कि क्या पता, मतलब बता नहीं रहा कि कौन से जगह पर अपने को अंडा मिलेगा। तो ये अपने को आई थिंक सो उससे फिर से बात करना पड़ेगा। नाउ व्हाट्स फर वाइट एज अ स्नो एंड ईयर एज लॉन्ग एंड आइस हिल्स आई ग्लिजर्ड अक्रॉस द आइस व्हाट्स एम आई हम ना पुप ऑफ द मॉन्स्टर इज योर पार्टी ब्रिंग इट हियर विल यू हम ओके ठीक है। इसने कुछ बताया तो नहीं, मेरे को लगा कि ये कुछ बताएगा बट ठीक है। आई थिंक सो अपने को बाहर ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि कौन से जगह पर अपने को जाना है। और या मेरे को मतलब काफ़ी चीज़ें इस गेम के बारे में नहीं पता चली हैं जो मैं तुम लोग को बताऊंगा, मतलब नए नए बातें इस गेम में तुम कैसे अच्छा मॉन्स्टर ले सकते हो। मतलब या मेरे को भी नहीं पता था, मैं ऐसे इंटरनेट पर पढ़ाई कर रहा था विकिपीडिया पर इस गेम के बारे में कि और इस गेम में क्या बढ़िया बढ़िया है। तो उसके बाद मेरे को पता चला तो इस गेम में जो भी मतलब डेन तो इधर नहीं है, और कोई डेन मिल रहे तो उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ। ओके इधर कोई गोल्डन डेन है क्या? वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जिससे मेरे को नहीं भिड़ने का, बिल्कुल भी नहीं भिड़ने का है। ओ ये रहा। तो ऐसे ही तुम लोग को दो तरह का डेन मिलेगा। ये गोल्डन डेन है, मतलब इसमें रेयर मॉन्स्टर्स मिलने के चांस होते हैं। और ऐसे तुम लोग को मतलब नॉर्मल वाला मिलेगा जो आइस की तरह दिखेगा या रॉक की तरह दिखेगा, मतलब पत्थर की तरह दिखेगा। बगल जो स्पेशल डैन होता है वो हमेशा चमकता है गोल्डन कलर का, जैसे ये चमक रहा है। तो जहाँ भी तुम्हें गोल्डन डैन चमकता हुआ मिले उसमें घुस जाने का, क्योंकि उसमें काफ़ी बढ़िया मॉन्स्टर मिल सकते हैं इसलिए। तो आज हम लोग चलने वाले हैं नए मॉन्स्टर की खोज में। जहाँ तक मेरे को पता चला है मिलेगा कि नहीं, मेरे को देखा रेयर मॉन्स्टर डेन लिख के आया ना ऊपर, तो ये रेयर है। तो जो भी गोल्डन रेड डैन होता है वो रेयर होता है, उसमें रेयर मॉन्स्टर्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। चांसेस क्या मिलते हैं आई थिंक सो, क्योंकि अभी मेरा ये फर्स्ट ट्राई है इस डैन में, तो मेरे को पता नहीं कि सचमुच ही 100% मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो यही मैं सोचा कि चलो एक न्यू मॉन्स्टर की वैसे भी अपने को ज़रूरत है, तो इस बार कोई स्पेशल मॉन्स्टर लेते हैं ना। मतलब अपने पास नॉर्मल मॉन्स्टर तो अपने पास काफ़ी है, तो या कोई एकदम ख़तरनाक स्पेशल या उसकी हाइब्रिड। और इसमें मेरे को और चीज़ पता चला, मतलब इसमें तुम्हारे मॉन्स्टर को और पावरफुल बनाने के लिए तुम्हें जीन की ज़रूरत होती है। अब जीन मतलब जेनेटिक कुछ तो होता है, उसे मैं फुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बिकॉज मेरे को खुद को ही नहीं पता, तो कैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। हेलो यहाँ कुछ तो ऑप्शन आ रहा था, ओके बटरफ्लाई ठीक है नॉट बैड। अरे उतर मत भाई, उतर मत भाई, बहुत मारेंगे कुत्ता बना देंगे, उतर गया तो तू। ओके सो आई थिंक सो इधर ही आगे अंडे का एरिया है, अंडा मिलेगा क्या मेरे को? अरे भाई 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 भाई, 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 भाई। गलत जगह पे तो नहीं आ गया मैं यार, मतलब साइड में एकदम खतरनाक सा पावरफुल भागो तो शार्क का बच्चा है जो भी बोल लो इसको। सच में भाई वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उससे बच के रहने में ही भलाई है। ओ जैसा मैंने कहा था, आई स्पाई विद द माई कैट्स आई समथिंग बिंग विद द एम स्टेटी ऑन आवर पाउस ओके। ओ भाई 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 भाई, अबे कितना अजीब मॉन्स्टर है भाई ये, इसका मुंडी देख रहे हो भाई साहब? गलत जगह पर आ गया मैं बट फिर भी। अरे भाई मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा यार, या उधर ही फंसे रहे, उधर ही फंसे रहे लौंडे।
एक नंबर, बहुत बढ़िया मौका। डिसमेंटल हो, अंडा ले। अरे भाग 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 उधर से भाग बेवकूफ। हाँ अंडा लेने दे भाई, मेरे को अंडा लेने दे प्लीज भाई। हेलो, अंडा क्यों नहीं ले पा रहा हूँ मैं, क्या मेरे को हराना ही पड़ेगा इसको? ओके ठीक है, जब हराना ही पड़ेगा तब क्या ही कर सकते हैं। अंडा नहीं ले सकते हैं ना भाई, मुझे लगा मैं अंडा क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। ओके 100% निकल ले भाई, निकल ले निकल ले निकल ले। अबे कितना स्लो भागता है यार ये। वाह भाई, एक अजीब से मॉन्स्टर से लड़ाई हो गई जिसके बारे में पता ही नहीं। खीजू, अजीब सा नाम है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा ही अजीब सा नाम है, क्या ही बोलना। ओके तो इन लोग आइस टाइप हैं, आइस टाइप के सामने तो अपना वही चलेगा, मतलब कुटकू का ही बच्चा चलेगा, तो अपने को उसको ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि या उसके पास ही फायर अटैक है। वैसे अजूरस भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट कुटकू के पास फायर अटैक है जिसके वजह से इन लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी हार सकते हैं। अभी इसके बारे में मुझे पता नहीं कि पावर टाइप है कि कौन से टाइप है, बट या मेरे को लग ही रहा था इसकी हालत देख के कि बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो या तो ये पावर टाइप बंदा है। लेट्स गो, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर टेक्निकल स्पीड अटैक करना चाहिए था, क्या मैं बेवकूफ़ी कर दिया यार, वो स्पीड अटैक करना चाहिए, पावर टाइप बंदा है। एक ये बहुत बढ़िया, कम से कम अपने पास वेपन है, इसकी वजह से अपन थोड़ा बहुत एडवांटेज में है, थोड़ा ही बहुत, ज़्यादा एडवांटेज में नहीं है क्योंकि इस मॉन्स्टर के बारे में अपने को पता ही नहीं है कि कैसा मॉन्स्टर है और क्या क्या इसके पास एबिलिटीज़ है। ओके फायरबॉल, बहुत बढ़िया, लेट्स गो। ये बैकग्राउंड साउंड कुछ ज़्यादा ही तेज है, मेरी कान की वाट लगी पड़ी है। ये क्या भाई, डर आ रहा है भाई। ओ ये क्या, मेरा मॉन्स्टर ज़मीन पर गिर गया, व्हाट द हेक भाई। सेविंग थंडर ब्रीथ, ये कौन सा नया अटैक है भाई इसके पास। ओ भाई 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 भाई, एक हिट में टपका दिया, व्हाट द हेक ब्रो, व्हाट द हेक भाई। बहुत मस्त मॉन्स्टर है यार, मतलब इसका शक्ल अजीब है बट दिखने, आई थिंक उसकी पावर काफ़ी बढ़िया है। आई डोंट नो अपने को कौन से मॉन्स्टर का एग मिला है, बट ये आई थिंक सो लगता है इसके जैसा होगा कोई ना कोई, देखते हैं जाके फिर से। भाई ये हर बार रोर क्यों कर रहा है, तभी इसके वजह से मेरे वेलो के कान फट जा रहे हैं और बार बार गिर जा रहा है, काफ़ी बेकार है यार। मेरे को वेलो को अल्टीमेट जल्दी फुल हो जाए तो फ़ायदा हो जाए। ओके इस बार टेक्निकल अटैक भाई साहब, ये अपना अटैक का वो आइडिया हमें बस। अरे भाई 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 भाई, कितना बुरा डैमेज दे रहा है भाई ये, मजाक कर रहे हो लॉन्डो, ये डैमेज दे रहा क्या कर रहा है। तब यार डबल अटैक, लेट्स गो। मेरे को अपने कुट्टू को हील करना पड़ेगा। ओ किनसे फुल, लेट्स गो, अल्टीमेट के साथ चलते हैं, बाद में यहाँ हीलिंग करेंगे। ओके लेट्स गो, वो भी अपना अल्टीमेट मारने वाला है, फायर बॉल एक्सप्लोजन, लेट्स गो। अरे भाई साहब इसको खाना जरूरी है ये एक्सप्लोजन करने के लिए, मतलब या इतने खतरनाक फाइट में हमेशा ये क्या बोलना खाना पीना करता है। ओ भाई गुस्सा हो गया। ओ अरे भाई साहब क्या लड़ाई हो रही है, मज़ा आ गया, लेट्स गो। अबे मैं हार गया। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई। गलत बंदे से पंगा तो नहीं ले लिया मैंने, मतलब यार मेरे को जहाँ तक लगता है मैं गलत बंदे से पंगा ले लिया हूँ क्योंकि काफ़ी बढ़िया चल। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज, ये क्या है। ओ भाई ये क्या अटैक था भाई, मतलब पूरे हेल्थ की वाट लगा दिया लिटरली भाई साहब, मैं मर जाऊँगा लिटरली, मैं ये हारा बैटल, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को फील आ रहा है मैं ये बैटल हार जाऊँगा, मतलब या और हार गया तो अंडा भी अपने हाथ से चला जाएगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि अंडा हाथ से चला जाएगा यार। ओके और अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अपने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एक और पोशन यूज कर लेते हैं बिकॉज मेरे को इधर हारने का नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है, मतलब यह एक अटैक अपन खा लेंगे चल जाएगा, बट अपने को मरने का नहीं है इधर। ओके बाइक स्टोन, ये कौन सा अटैक है भाई साहब, चोंच मारेगा, ठीक है बढ़िया, लेट्स गो। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है,
वैसे वो गुस्सा करके क्या ही बिगाड़ लेगा हम लोग का, मतलब या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिर से करने वाला है भाई साहब। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। ओके फिर से चोंच से भर डाला, ओके इस बार बहुत कम का डैमेज हुआ। ओके ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से होता क्या है, पैरालाइज होते हैं क्या सामने वाले? नहीं, डबल डैमेज होता है, एक साथ मल्टीपल डैमेज करता है। ओके इस बार तो मैं पक्का इसको हराएगा, लेट्स गो। काफ़ी बढ़िया पुल हो गया अल्टीमेट। भाई इस बार मर जा यार, प्लीज़ मर जा यार, मतलब यह काफ़ी ज़्यादा क्या ही बोलना, पावरफुल बंदा है। फिर से फायर बॉल एक्सप्लोजन, लेट्स गो भाई, मार देना इस बार। मतलब मैं चाहता हूँ भाई ये हार जाए, मेरे को वो अंडा चाहिए यार लिटरली, मेरे को देखना है उस अंडे में है क्या आखिर। ओके लेट्स गो, अपने हरा लिया, लेट्स गो बॉय, काफ़ी बढ़िया भाई, मज़ा आ गया भाई, इसको हरा लिया आखिर अपन, या बॉय नाइस बड़ी, लेट्स गो, हरा लिया आखिर अपन ने से। ए रैंक चल जाएगा, रैंक ही ना दो तो भी चल जाएगा मेरे को। ओ भाई भाई भाई, लेवल अप देखो भाई, बहुत बुरा लेवल अप हो गया मेरे मॉन्स्टर्स का, तब या काफ़ी ज़्यादा लेवल अप हो गया। ओ भाई साहब मज़ा आ गया, एक और अंडा ले सकते हैं क्या? एक ही अंडा ले सकते हैं आई थिंक सो, एक ही अंडा एक बार में ले सकते हैं या तो चलते हैं फटाफट इस अंडे को पहले सिक्योर करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, 100% चांस तो कुछ लिखा था, तो आई थिंक सो कोई पावरफुल मॉन्स्टर अपने को मिल सकता है। या भाई निकलना है इस ट्री से, क्या इधर क्या रहेंगे, घुइया छिलेंगे क्या बैठ के, मतलब या फुलफिल वाइब्रन कुछ लिख के आया था कि अपने को वाइब्रन का अंडा मिला क्या, आई डोंट नो ब्रो। लेट्स गो पहले अंडे को हैच करते हैं, मेरे को इंतजार नहीं हो रहा इस अंडे में आके रहे क्या, मतलब ये उसमें कुछ तो लिखा था वाइब्रन के नाम का, आई डोंट नो अपने को आई थिंक सो वाइब्रन मिला, पता नहीं मतलब लिटरली पता नहीं भाई उस अंडे में है क्या, इतने मुश्किल से आप जीत के लेके आए उस अंडे को, उसका मेरे को चेक करना ही है उसके अंदर है क्या, उसके बाद देखेंगे इस भालू के बच्चे जो अजीब सा बंदा है उसको चाहिए क्या। मतलब आई थिंक सो अपने को यही अंडा लेके आना था, मतलब उसने कहा था कि हमें रास्ता पार करने के लिए एक फायर टाइप बंदा चाहिए, वो वाइब्रन आग उगलने वाले ड्रैगन्स होते हैं, तो मेरे को जहाँ तक लगता है यही चाहिए था, बट फिर भी अपने को आई थिंक सो काफ़ी बढ़िया अंडा मिल गया जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ओके तो अंडा हैच करने वाला कहाँ है भाई? अरे बिल्ले, ये क्या अजीब सा यार, इसका जॉयस्टिक बहुत अजीब है। लेट्स गो बिल्ले, हाँ भाई मेरे को अंडा हैच करना है, लेट्स गो हैच एग, देखते हैं इसके अंदर क्या है, मैं भाई इंतजार नहीं कर पा रहा, मेरे को देखना है इसके अंदर आए क्या, लेट्स गो, क्या है भाई क्या है क्या है क्या है, व्हाट द हेक, रेड कुजू आ द हेक भाई साहब, ये किसको चाहिए था भाई हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए था, लिटरली नहीं चाहिए था भैया, ये क्या यार, कुजू ही दे दिए यार, बट रेड कलर का है मतलब, तो इसका कलर अलग है। ओके ये क्या अजीब है, रुको यार मेरा कट गया लगता है, फुल वाला कट गया, कजू है कहाँ, हेलो क्या इसको मेरे को पार्टी में लगाना पड़ेगा, इससे बात करते हैं पार्टी में, आई थिंक सो इसी की वजह से लगेगा। हाँ बिल्ले बन जा ढिल्ले। ओके चेंज पार्टी सेट मॉन्स्टाइट, मॉन्स्टाइट सेट करना है भाई मेरे को। हेलो कहाँ गया काजू, काजू खाले, काजू खाले बादाम, वेयर आर यू, हेलो। ओके तो आई थिंक सो एक बार में अपन पांच ही मॉन्स्टाइट ले जा सकते हैं जहाँ तक मेरे को लगता है, मतलब या बट मेरे को काजू चाहिए था क्या, नहीं आई डोंट नो, मेरे को उसकी एबिलिटीज काफ़ी बढ़िया थी, मतलब वो सामने वाले को डबल डैमेज देता है तो काफ़ी बढ़िया है। पोपो को हटा देते हैं, पोपो रिमूव कर देते हैं पार्टी में से और इसको डाल देते हैं, या देख के लग रहा है बढ़िया बंदा है, मतलब या ओके अपने को क्या करना है यार, ये तो बता ही नहीं रहे इन लोग। हेलो भाई कुछ तो बता दो, आइडिया बता दो, देर आर लॉट ऑफ वेज टू इंक्रीज द चांस ऑफ मॉन्स्टर रेटिंग, अटैक वाइल अ मॉन्स्टर इज डाउन्ड, यू कैन यूज आइटम्स ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स, What you work on depend on master. You might have to experiment little. Okay. Use your paint ball.
आल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ रिटेट। ओके पेंट बॉल, पेंट बॉल कैसे बनाते हैं, रुको मेरे को देखने दो। पिछले एपिसोड में भी इसने यही कहा था पेंट बॉल के बारे में, आई डोंट नो वो कैसे बनाते हैं, मतलब यार लिटरली मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, बट आई थिंक सो इन्वेंट्री में बनता है या कंबाइन में हो सकता है, इन्वेंट्री में तो सामान रहता, कंबाइन में होगा। ओके सो पेंट बॉल रेसिपी, अपने पास नई रेसिपी आई है, इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। 5 ओके लेट्स गो, 5 क्राफ्ट हो गया। इसको अपने पाउच में लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं बैटल पाउच, लेट्स गो एडिट, और यहाँ ऐड कर दो। कहाँ गया, हेलो कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, ठीक है। फायर बॉल भी ऐड हो गया क्या, ओवरराइड भी, हाँ यार चल जाएगा यार, मतलब यार ओके। सो अपन ने ये भी कर लिया, अपने को अब क्या करने का, इस घर के अंदर जाने का क्या, नहीं इसके अंदर तो ऑप्शन ही नहीं है जाने का, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब अभी तक तो सब कुछ बता रहे थे कि क्या कैसे कैसे करने का है, अब कुछ आइडिया ही नहीं दे रहे हैं क्या करने का है क्या नहीं करने का, आई डोंट नो, मतलब यार कुछ बता ही नहीं रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है छोड़ो, अपन चलते हैं एक और नए मॉन्स्टर अंडे के खोज में, मतलब पिछला वाला अंडा तो काफ़ी ज़्यादा बेकार निकला क्योंकि मेरे को मॉन्स्टर ही नहीं चाहिए था वो वाला, मतलब यह वो चाहे कितना भी बढ़िया अंडा हो बट वो मॉन्स्टर ही मेरे को नहीं चाहिए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ओके ठीक है, प्यू टिकट मिला जिससे अपन डिस्काउंट ले सकते हैं, इस मटेरियल को उठा लो भाई, इससे काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। ओके यहाँ तो अपने वो बेहोश पड़े हैं, और नहीं है क्या एक रेयर डेन जिसमें रेयर मॉन्स्टर मिल सके, आई डोंट नो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मेरे को तो लग रहा है होंगे आई थिंक सो। ओके आई थिंक सो दूसरे पहाड़ के तरफ हो या ओके ओके तो बोलता है कि जो केव है तुम देखना चाहोगे, चलो देखते हैं भाई ये केव कहाँ जाता है, आई थिंक सो ये केव वही वाला है, ये ऑब्वियसली टनल ही तो है, इसमें फ़र्क क्या है इस टनल में, ये वही टनल तो है। सो इधर क्या रेयर मॉन्स्टर मिल सकते हैं क्या अपने को, आई डोंट थिंक सो बट मुझे लगता है मिल सकते हैं। ओके कोई रेयर मॉन्स्टर डैन दिख रहा है क्या, दिख तो नहीं रहा है मतलब या ओके भाई साहब इधर सिर्फ मॉन्स्टर दिख रहे हैं, डैन में तो दिख ही नहीं रहा है कि कोई मॉन्स्टर डैन मिल जाए। चलो आगे बढ़ के देखते हैं, आई थिंक सो रास्ता अनलॉक हो गया हो, मतलब अपने को इसी टनल से ही पार जाके दूसरे एरिया में जाने का है, उसने अपने को बताया था बट इधर से बाहर जाएंगे कैसे ये भी तो नहीं बताया था ना, इधर से बाहर कैसे जाएंगे ये तो कोई बता दो, हेलो ओके जंप मार सकते हैं, जंप से तो कुछ होने वाला नहीं है। ओके इधर भी जंप रास्ता है आगे, बट ये क्रिस्टल अपने को तोड़ना पड़ेगा, और ये क्रिस्टल तोड़ने के लिए अपने को एक फायर टाइप मॉन्स्टर चाहिए, अब यहाँ फायर टाइप मॉन्स्टर कौन है, मतलब कुटकू के सिवाय कौन है यार, यहाँ मेरे को तो नहीं लगता कोई फायर टाइप और मॉन्स्टर है, मतलब यार लिटरली इन लोग फायर अटैक तो करते नहीं हैं, इन लोग तो सीधा वाट लगा देते हैं, तो या तो मेरे को कोई ऐसा मॉन्स्टर ढूंढना पड़ेगा जो फायर अटैक जानता हो, और ऐसा मॉन्स्टर मुझे नहीं लगता मेरे को यहाँ मिलेगा, या मिल भी सकता आई डोंट नो। हाँ अपने पास हॉस्प्रिंग के साइड भी एक रास्ता था ना, अपन ने वो एरिया चेक नहीं किया था, उसको चेक करके आते हैं, मतलब हॉस्प्रिंग की तरफ से भी एक रास्ता जा रहा था तो उधर चेक करते हैं, आई थिंक सो अपने को उधर मिल जाए, मेरे को जहाँ तक लग रहा है तो यार मिल सकता है उधर यार। ओके सो लेट्स गो उधर ही चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके बढ़िया, ये है क्या, ये काइंड ऑफ रास्ते टाइप बना हुआ है ऊपर जाने का, मेरे को ऐसा लग रहा है वो जो हरा हरा जाली टाइप का दिख रहा था। ओके इतना बड़ा मॉन्स्टर उधर क्या कर रहा है भाई, इसमें क्या होगा, आई थिंक इसमें पोपो मिलेगा, मेरे को नहीं जानना है इसके बारे में, या मतलब आई थिंक अपन ने पोपो ले रखा है तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हेलो ये क्या है, द सिम्स लाइक वी कांट डू द नेवर माइंड कीप मूविंग। ओके तो ये मॉन्स्टर हमारा ये एबिलिटी नहीं यूज कर सकता, तो कौन सा मॉन्स्टर कर सकता है,
कुडकू कर सकता है? नहीं, अजूरस, आई डोंट नो, अजूरस तो तोड़ने में माहिर है ना, आई डोंट नो ये करेगा कि नहीं करेगा, ये भी नहीं कर सकता। मतलब यहाँ कोई तो मॉन्स्टर होता होगा चढ़ाई के लिए भी, मतलब चढ़ने के लिए भी एक मॉन्स्टर चाहिए रहेगा अपने को, बहुत हार्ड। ओके तो ले लेते हैं अपने अजूरस, वेलो कोई, क्योंकि वेलो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, दैट्स वाई, और कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए वेलो का यूज करता हूँ मैं। ओके उधर एक डेन है बट आई डोंट नो उधर से अपने को कोई बढ़िया मॉन्स्टर मिल सकता है कि नहीं, और यहाँ एक गिरने वाला रास्ता है जैसे गिर के अपनी खोपड़ियाँ तोड़वा सकते हैं। ओके ये क्या है, आइस बक्सा भाई साहब, स्ट्रेंथ न्यूमेंट, ये क्या होता है इससे? आई थिंक सो अटैक बढ़ेगा क्या, आई डोंट नो, बट ऐसे नहीं, स्ट्रेंथ नाम टाइप था तो मेरे को ऐसा लगा कि अटैक बढ़ेगा। ओके भाई जाना कहाँ है, मैं तो रास्ता ही भटक गया, लिटरली भटक गया, क्या ही बोलना। ओके रास्ता बता दो भाई, मैं भटक गया रास्ता, उसको एक्टिवेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्टिविटी नहीं की मतलब, या ओके एक्टिवेट हो गया, लेट्स गो। अब इधर से रुको, अपने पास ये है ना, अपन इससे फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, तो फास्ट ट्रैवल करते हैं ना, मतलब अपने अपने बीच के पास भी तो उसको खोल रखा था मतलब, या राइड। ओके फास्ट ट्रैवल के लिए आई थिंक सो ये उसका नाम मेरे को अब नहीं पता है ना, हाँ ये रहा, इधर चलने का अपने वो बात के पास, लेट्स गो। अरे भाई सब बेइज्जती करना ज़रूरी है मतलब, या पहुँचाते तो पहुँचाते हैं बगल बहा देते हैं, ऐसा लगता है इज्जत ही नहीं है अपनी। ओके इस जगह पर आपने चेक नहीं किया था तो ये जगह चेक कर लेते हैं एक बार, मेरे को लग रहा है इधर कोई अच्छा मॉन्स्टर मिल सकता है, अब सिर्फ लग रहा है, आई डोंट नो इधर मॉन्स्टर होंगे भी कि नहीं होंगे। ओके इधर तो एक अपना पीजी है जिसको एक कहानी सुनाएंगे और ये खुश होकर चले जाएगा, लेट्स गो भाई, कहानी सुन ले और खुश हो जा और चले जा, अरे चले जा, अब कितना नाचेगा। थैंक यू, क्या दिया? ओके कुछ तो अजीब सा 10 चीज़ दिया भाई, अजीबो गरीब नाम रहते हैं इसमें, मेरे को समझ ही नहीं आता। ओके एक और पिग, हेलो भाई साहब, इतने सारे इधर कर क्या रहे हैं? ओके ये तो डायपर पहन के घूम रहा था भाई साहब, ये बच्चा बच्चा है क्या, डायपर बकल, इसके सिर पे ताज क्यों है मतलब, या सकल बच्चे जैसी और सर पे ताज पहना राजाओं की तरह, क्या ही बोलना। वेल्डन स्टिक, ये कौन सा स्टिक होता है भाई साहब मतलब, या कुछ भी। अरे यहाँ मैं मॉन्स्टर अपना क्यों नहीं यूज कर सकता, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, आई डोंट नो। ओके इस चेस्ट में क्या है, हॉट मिस्ट, अरे 10 हॉट मिस्ट बन चाहिए था ना यार उसको, या तो आई थिंक सो यही तो नहीं चाहिए था उसको, जो अपन ले जाना भूल गए थे, आई थिंक सो, आई डोंट नो, बट हो सकता है कि यही उसको चाहिए था। ओके ये इन लोग से बात करते हैं, इन लोग के क्या सबमिशन है, आई थिंक सो अपने को सबमिशन करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आई कम हियर टू स्लेव अ मॉन्स्टर बट देर आर सो मेनी ऑफ जेमेटिस अराउंड, आई कांट इवन स्टे एज अ स्ट्रॉन्ग, कैन यू हेल्प मी टू वी स्ले द टुगेदर, वॉट इज एन आइस। ओके तो इसको हम मदद चाहिए कि हमें 6 जेमेटोस को मार दें। ओके तो हमें 1200 रुपया मिलेगा, अरे भाई क्यों नहीं, लेट्स गो एक्सेप्ट क्विस्ट, आई गिव सम रेसिपीज। ओके और ये हमें बंस भी देगा, अरे काफ़ी बढ़िया यार फिर तो। अरे बिल्ले को क्या चाहिए, नाई हंटर वेट, यू आर अ राइडर, पफिन फॉर अ साइनी फ्लैश बग, दिस आर फाउंड इन द स्नो डंजन माउंटेन। ओके फ्लैश बग इसे चाहिए, मेरे पास फ्लैश बग है क्या, इसने कहा स्नो माउंटेन में है, आई थिंक सो अपने पास नहीं है, इसका भी क्विस्ट एक्सेप्ट करते हैं। ओ दे आर गोइंग टू मैड, बॉस इज सुपर स्केरी, आई वॉन्ट टू लुक सम टाइम विद द हॉट स्प्रिंग। ओके उसका बॉस गुस्से में हो गया मतलब, या आई थिंक यू आर लेस मैड, बैक टू आइस क्रिस्टल फ्रॉम द डार्जर स्नो। ओके तो इसे आइस क्रिस्टल चाहिए, वो भी डार्जा स्नो विल्ड से, अब ये स्नो विल्ड कहाँ पड़ता है आई डोंट नो, पर ठीक है 5 टू डिलीवर करना है, दे आर फॉर गिव एनी थिंग दे गेट अ नाइस,
नोवी यू कैन हेल्प मी ओके। तो बोलती है कि ये मुझे माफ़ कर देंगे कहीं तुम वो मेरे को ला के दे दोगे। आई गिव यू अ बुक ऑफ क्या कॉम्बोस विद अ रेसिपी। ओ भाई साहब मेरे को काफ़ी ज़्यादा नई नई रेसिपीज मिल सकती हैं, काफ़ी बढ़िया फिर तो भाई साहब। बट मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं वो स्नो जो भी फील्ड है कहाँ है, मेरे को एक बार चेक करने दो। ओके लेट्स गो चेक करते हैं। अपन ने वो जगह अनलॉक किया है। हाँ ये तो रहा, इस जगह पर मिलेगा डार्जा स्नो फील्ड इंटरनेंस। ओके आई थिंक सो जब अपन आते हैं शुरुआत में ये वही जगह है, या मेरे को लगा ही था कि ये वही जगह है। तो यहाँ कहाँ क्रिस्टल मिलेगा और अपने को वो क्या बोलते हैं चमकने वाले कीड़े मिलेंगे। अपने को चमकने वाले कीड़े चाहिए और वो चाहिए क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स। लेट्स गो हर्ब। यार काफ़ी चीज़ें इस गेम में, इतनी सारी चीज़ें क्या है बोलना मेरे को जो पता ही नहीं है। और मेरे को आगे धीरे धीरे आई थिंक सो जैसे जैसे खेलूँगा तब पता लगेगा। ओके अपने को इसको छेटू हराना था ना, इसको हरा देते हैं। आजा भाई लड़ ले, तेरी वाट लगाने के लिए स्पेशली मैं आया हूँ। ओके चांस टू मोर रिवॉर्ड। या बॉय लेट्स गो, रिवॉर्ड का टाइम आ चुका है। कुटकू को बुलाओ, आजा भाई कुटकू लेट्स गो। अटैक करो, ये स्पीड टाइप हो टेक्निकल होते हैं असल में। लोग मैं भी टेक्निकली अटैक कर रहा हूँ, मेरे को पर पावर अटैक करना चाहिए था मेरे को। चलो ठीक है कहानी खलास, लेट्स गो इजी पीजी विन। पहले बंदे को आप उन्हें हराया, बहुत बढ़िया। एस रैंक, वाह कोई मतलब नहीं निकला इस रैंक का। ठीक है फर्स्ट बंदा हारा और अपने को पांच और बचे हुए हैं, पांच और को हराना है। लेट्स गो। ओके और कहाँ है भाई साहब, अपना फटाफट थोपड़ा दिखाओ, मुझे हराने का है तुम लोग को और रिवॉर्ड जीतने का है, मेरे को देखने का है कि मेरे को रिवॉर्ड में। वैसे तो 1200 रुपया दे रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब अपन वेपन अपग्रेड कर पाएंगे अपना, और क्या ही चाहिए। ओके आजा भाई तू भी लेट्स गो। बेस अटैक। ओके स्विच मॉन्स्टर कुटकू लेट्स गो। वैसे तो मैं इसको बिना कुटकू को भी मार सकता हूँ, बट फिर भी मैं इसलिए लाता हूँ क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स गो डबल पावर अटैक, सही हुआ मुझे लगा होगा पर ठीक है। चलो इसकी कहानी खलास, इजी पीजी है भाई साहब। अपना लेवल अप जब से हुआ है ना, और ख़ासकर जब से आपने वेपन नया लिया है, तो ये अपने लिए इजी पीजी हो गए हैं तभी। ओके सी रैंक का है दिए भाई, बेइज्जती का है कर दिया मतलब। ओ आइस क्रिस्टल मिलता है इन लोग को हराने से, इन लोग को हराने से आइस क्रिस्टल मिलता है, मुझे ये तो बात नहीं पता थी भाई। इन लोग को हराने से आइस क्रिस्टल मिलता है, व्हाट द हेक ब्रो। मुझे लगा कि इन लोग को नहीं हराना पड़ेगा आइस क्रिस्टल के लिए। ठीक है चांस टू मोर रिवॉर्ड, यस लेट्स गो। ओके पावर अटैक। ओ मैं डैमेज कहाँ से हुआ, अच्छा मैं पहले मॉन्स्टर से डैमेज था, मैंने अभी तक अपने आप को हील नहीं किया है ना। ओके एक और गया, अब आई थिंक सो तीन बचे हैं मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने दो को हरा दिया ना, छः को हराना था तो आई थिंक सो चार बचे हैं। ओ दो दो आइस क्रिस्टल, लेट्स गो बॉय लेट्स गो, काफ़ी बढ़िया। ओके न्यू टाइटल मिला मेरे को कोई अजीब सा, इसको भी हराओ भाई आजा। ओ डबल डबल, ये तो काफ़ी बढ़िया है, एक साथ दो दो हारेंगे तो अपने फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके लेट्स गो, मेरे को हीलिंग की ज़रूरत है नहीं तो मेरी वाट लगा देगा। ओके ठीक है भाई मेरे को डाउन कर दिया, लेट्स गो एक तो गया, अभी एक बचा बस। मैं पहले हील यूज कर लूँ, वैसे तो मैं यूज भी नहीं करूँगा तो भी चल जाएगा, बट फिर भी लेट्स गो हीलिंग। अब फायरबॉल, एक हिट में मर जाना चाहिए उसको, एक हिट में तो मर ही जाना चाहिए। लेट्स गो मर गया, मेरे को लगा ही था वो वन हिट में मार जाएगा, बिकॉज वो आइस टाइप है और मेरे पास फायर टाइप बंदा है, तो या मैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ।
ओके डी रैंक, ठीक है। ओ दो दो तीन तीन आइस क्रिस्टल, भाई साहब अपना आइस क्रिस्टल का काम तो हो गया। मतलब उसको आइस क्रिस्टल थोड़े बहुत चाहिए थे, अपने पास इतने सारे आ चुके हैं, क्या ही बोलना। मतलब आप बोले तो आइस क्रिस्टल का भंडारा आ चुका है अपने पास। अभी कितने मॉन्स्टर को हराना है मेरे को समझ नहीं आया। मैंने लगभग सारे को तो हरा दिए ना, आई थिंक सो। या ओके आई थिंक सो, इसको भी हराना पड़ेगा। आ जा भाई, तेरे को भी हरा ही देते हैं, तेरे से भी बदला वैसे लेने का है मेरे को। ओके लेट्स गो, पावर अटैक, टेक्निकल अटैक करने वाला था, मुझे पता ही था। ओके बहुत बढ़िया, इसको हराने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर उसको हराना तो पड़ेगा क्योंकि अपने रास्ते का कांटा बन रहा है और अपने को अपने रास्ते का कांटा हटाना ही पड़ेगा। ओके फायर बॉल, बहुत बढ़िया, 70 का डैमेज, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा बट स्टिल डैमेज तो हो रहा है। मतलब यार ऐसा तो नहीं कि डैमेज हो ही नहीं रहा है। ओके बस अल्टीमेट जल्दी फुल हो जाए आई थिंक, तो फिर अल्टीमेट से अपन इजीली इसको मार पाएंगे। ये अपना आर्मर लगा लेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अपने लिए। ओके ओहो हो भाई 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 भाई, बहुत मार दिया भाई अपने बंदे ने, डिफेंस इसने बूस्ट कर लिया अपना। फिर भी अपने सामने ये नल्ला ही है डिफेंस, अब अपने सामने अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पहले था बट अभी नहीं। ओके स्पीड अटैक, भाई मैं भूल गया था कि आर्मर लगाने के बाद स्पीड टाइप हो जाता है। ओके बहुत बढ़िया, 67 का डैमेज, लेट्स गो। मेरे को हीलिंग लेने दो, ये मेरे को वन हिट में मार सकता है मतलब यार। ओके बढ़िया, फ्रॉस्ट ब्रीथ करेगा, मैं जानता ही था उससे डबल, मतलब एक साथ दो बंदे को डैमेज होता है फ्रॉस्ट ब्रीथ से। ओ भाई भाई 20% चार्जिंग, वाह मेरी चार्जिंग भी ख़त्म हो रही है। लेट्स गो, इसको हराते हैं भाई, हार जा यार। आज तो मतलब कुछ ज़्यादा ही अपन भटक लिए, मतलब अपने को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया मॉन्स्टर्स तो नहीं मिले, मतलब एक ही मॉन्स्टर मिला है, क्या ही बोलना, वो भी इतना बढ़िया मेरे को नहीं लगा, दैट्स वाई। बट ठीक है स्टिल, ओ भाई अबे ये क्या हुआ यार, मैं कर तो रहा था सही ना आई थिंक तो। ओके ठीक है, फायरबॉल अटैक, फायरबॉल एक्सप्लोजन, लेट्स गो। इसे मर जाना चाहिए आई थिंक सो, मतलब या थोड़ा मरेगा नहीं तो कम से कम इसका 10% एचपी तो बचेगा ही। ओके मर गया, नहीं मरा यार। ओके फिर से, इसको यूज के मेरे को आ नहीं रहा है मैं कैसे इस्तेमाल करूं, मतलब या मेरे दोनों के दोनों बंदे की हालत ख़राब है। ओके पावर अटैक, लेट्स गो, कुछ खास इफेक्ट तो नहीं हुआ उसको, ठीक है, बस मरने वाला है बंदा। इसने उसने आर्मर बूस्ट कर लिया यार, आर्मर आर्मर से मेरा मूड ख़राब हो जाता है। लेट्स गो पोशन विथ कुटकू, ओके अब देखते ये हमारी वाट लगा पाता है कि नहीं। वैसे तो इसकी हालत नहीं है हमारी वाट लगाने लायक, बिकॉज ये एक ही दो हिट में इसकी कहानी खलास हो जाएगी। ओके पावर अटैक, लेट्स गो, कहानी खलास इसकी, बहुत बढ़िया भाई साहब, इसको हराने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया लिटरली, मतलब या क्या ही बोलना, टाइम नहीं लगा, टाइम की वाट लग गई। ओके इससे कुछ खास चीज़ तो मिला नहीं अपने को, मतलब ये इतने बड़े मॉन्स्टर को हराने के बाद कुछ खास दिए नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार लगा मेरे को, जबकि इन लोगों को देना चाहिए भाई, इतने खतरनाक मॉन्स्टर को मैंने हराया यार, कुछ तो दे देते हैं तब या। हेलो ये क्या, कुछ तो मेरे को दिखा आई थिंक सो, ये डेन वेन के जगह पर इसके ऊपर कुछ है। ओके हनी भी, अच्छा तो आप अपने मॉन्स्टर से स्कैन कर, जो ये कुटकू है इसके मदद से आप कुछ भी स्कैन कर सकते हैं कि आखिर उधर क्या मिलेगा। वाह बेटे काफ़ी बढ़िया एबिलिटी, अच्छा काफ़ी बढ़िया अच्छी एबिलिटी है इस बंदे के पास, मतलब या अपन इसको यूज करेंगे अपने आजू बाजू के सराउंडिंग्स, ये बताएगा कि आखिर कहाँ खतरा है कहाँ क्या नहीं है, तो मेरे को काफ़ी पसंद आया लिटरली, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ओके भाई मेरे को मिला तो कुछ नहीं,
लिटरली कुछ नहीं मिला इतने ज़्यादा भटकने के बाद भी। जो 10 बन मिले आई थिंक सोचते उसका काम हो जाएगा, एक बार उसको जाके देते हैं क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा देखते हैं। उसके बाद फिर आप उन सब मिशन पे ही जाके देखेंगे कि सब मिशन से तो कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक सो अपने को बंस तो मिल गए हैं, लेट्स गो। आ? क्या फर्फी स्नो दैट आइस ओके परफॉर्मेंस मॉन्स्टर पार्टी ब्रिंग यू हियर व्हाट द हेक, क्या करना है यार आखिर करना क्या है। हेलो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो क्या करता हूँ मैं आज का एपिसोड धीरे एंड करता हूँ क्योंकि मेरे को अभी कुछ समझ तो नहीं आया, मतलब या आई थिंक सो अगले एपिसोड तक कुछ समझ आ जाएगा। या तुम लोगों को कुछ बता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो या तो आई होप ये एपिसोड तुम लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक मार देना, चैनल पर नए आए हो और ऐसे ही वीडियोज़ देखना पसंद है तो सब्सक्राइब मार देना। तो या आज के एपिसोड में बस इतने, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय सयोनारा और फिर मिलेंगे दोबारा।